ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो, ये तस्वीरें एयरपोर्ट से पार्टी दफ्तर तक पीएम का ये रोड शो और इसके लिए भव्य तैयारी वहां पर कर ली गई है। दो दिन का यहां कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहना है। पहला दिन जहां पंचायत महासम्मेलन को संबोधित करेंगे, राज्य के 1 लाख से ज्यादा पंचायती राज प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। जो कार्यकर्ता है वो बेहद उत्साहित, चारों तरफ अगर आप देखिए तो भगवा कलर लहराता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे हैं और उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं का एक सैलाब सा उमड़ पड़ा है। चारों तरफ देखिए बैरिकेड लगाए गए हैं और वो रास्ता जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला निकलने वाला है, सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुछ ही देर में एयरपोर्ट से पीएम मोदी का ये रोड शो शुरू होने वाला है, जिसकी भव्य तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अहमदाबाद में एयरपोर्ट से पार्टी दफ्तर तक ये रोड शो निकाला जाना है। चार राज्यों में बंपर जीत के बाद गुजरात का रुख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महत्वपूर्ण ये रोड शो। हालांकि जो जीत बीजेपी को मिली है, जो है वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही मिनटों में यहां पे प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे। और यहां पे आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है बड़ी तादाद में यहां पे पहुंचे हुए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गृह राज्य है, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पे शाम के वक्त पहुंच रहे हैं। ये दोनों ही कल अहमदाबाद में ही जो रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी है उसके कॉन्वोकेशन में हिस्सा लेंगे, लेकिन आज प्रधानमंत्री का ये भव्य रोड शो यहाँ पे होगा। और ये रोड शो इसलिए भी खास है क्योंकि जो वाराणसी की जीत है, उत्तर प्रदेश और दूसरे जो चार राज्यों की जीत है, उसी जीत को लेकर यहाँ पे प्रधानमंत्री का ये भव्य रोड शो आयोजित किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो लोग है, वो बड़ी तादाद में जुटे हुए हैं। अलग अलग करीब 50 जितने मंच बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सड़क के दोनों ओर पूरी तरीके से 9 किलोमीटर लंबा ये पूरा रोड शो है, जहाँ पे लोग जो है वो काफी बड़ी तादाद में यहाँ पे आए हुए हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उनके खुद के नरेंद्र भाई आज उनके बीच आ रहे हैं, क्योंकि गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में 12 साल तक मुख्यमंत्री के तौर पर रहे थे। आज भी प्रधानमंत्री को यहाँ पे नरेंद्र भाई कह के लोग बुलाते हैं और शायद यही वजह है कि उनके लिए जो लोगों का प्यार है वो प्यार यहाँ पे दिख रहा है। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि खास करके अगर बात की जाए तो गुजरात के मुख्यमंत्री समेत सभी जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री का ये रोड शो होगा, करीब 1 घंटे का ये पूरा रोड शो होगा, जो कि बीजेपी का गुजरात का दफ्तर जो है कमलम वहाँ पे पहुंचेंगे। और वहाँ पे पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री गुजरात बीजेपी के विधायक, सांसद और संगठन के जो लोग हैं उन लोगों के साथ मीटिंग करेंगे। और मीटिंग करने के बाद प्रधानमंत्री वहां से, आज एक सरपंच सम्मेलन रखा गया है, करीब 14,000 जितने जो सरपंच है वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं और पूरे गुजरात से अलग अलग लोग यहां पे पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री वहां से जो गांव तक बीजेपी को किस तरीके से पहुंचाना ये कह सकते हैं, क्योंकि तो इसी साल के अंत में गुजरात में चुनाव होने हैं, तो चुनाव से पहले किस तरीके से लोगों के साथ कनेक्टिविटी जोड़ना, ये प्रधानमंत्री आज का जो ये रोड शो है ये इसकी सबसे बेहतरीन उदाहरण हम कह सकते हैं। क्योंकि चार राज्यों में जीत और खास करके उत्तर प्रदेश में जीत के बाद अब प्रधानमंत्री का ये रोड शो अपने आप में बहुत कुछ कहता है और उसका जो जश्न है वो यहाँ पे गुजरात के अंदर मनाया जा रहा है, इस तरीके से हम कह पाएंगे। साथ ही यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए, जो ऐसे युवा भी यहाँ पे पहुंचे हुए जो यूक्रेन से यहाँ पे आए हुए थे। और साथ ही अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करने के लिए यूक्रेन से जो बच्चे यहाँ पे ऑपरेशन गंगा के तहत यहाँ पे पहुंचे हुए थे वो सारे यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। पूरे गुजरात से हम कहेंगे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पूरे गुजरात से जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। इस तरीके से बड़े बड़े कटआउट्स यहाँ पे लगा दिए गए हैं, आप देख सकते हैं एलईडी लगाई गई है, एलईडी के ऊपर जो पोस्टर लगाया गया है उसमें लिखा गया है कि हमारा प्रेरक बड़ हमारा मार्ग
हजार दशक, यानी हमारे लिए जो प्रेरणा का स्रोत रहे हैं, हमारे लिए जो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, ऐसे नरेंद्र मोदी। और आज वही कह सकते हैं कि गुजरात जो उनका होम टाउन है वहाँ पे प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, तो उनके होम टाउन में उनके स्वागत के लिए ये खास तैयारी जो है वो बीजेपी के जरिए की गई है। और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पे बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कहेंगे, क्योंकि गुजरात में चुनाव है, 27 साल से बीजेपी की सरकार यहाँ पे सरकार है, और अब 27 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको भी अगर दूर करने की बात कहे तो प्रधानमंत्री का जो दौरे है माना जा रहा है कि अब प्रधानमंत्री यहाँ पे आते रहेंगे। और जो खास बात अगर कहे तो प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है इसे चुनाव की एक सॉफ्ट शुरुआत हम कह सकते हैं।